जिसके पीछे 100 सिर 100 सामंत वतन और वचन के लिए सिर कटाने को तैयार हूं, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान होता है। कितने महीनों में किया दिल्ली कनौज को रिक्रिएट, मखमली गाने में दिखाए बाजार आज कहाँ है, क्या हुई थी पृथ्वीराज और संयोगिता की शादी। वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज, दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो ये जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज चौहान के साथ। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज यशराज फिल्म्स की पहली ऐतिहासिक फिल्म है और इसकी कहानी बेखौफ और शूरवीर राजा पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी और उनकी बोरता पर आधारित है। फिल्म में अक्षय उस पराक्रमी योद्धा के रोल में है जिसने भारत की रक्षा के लिए क्रूर आक्रमणकारी मोहम्मद के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। बता दें फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने 12th की शताब्दी की दिल्ली, अजमेर और कन्नौज के नए जिले में रिक्रिएट किया था और सेट को डिजाइन करने के लिए 25 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए थे। और अक्षय कुमार कहते हैं कि इस फिल्म को दर्शकों के लिए एक विजुअल ट्रीट बनाना एक बहुत बड़ा काम था क्योंकि हम सभी के लिए एक बिग स्क्रीन एंटरटेनमेंट बनाना चाहते। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भारत का शासक चुना गया और दिल्ली उनकी राजनीतिक राजधानी बन गई, इसलिए हमने 12वीं शताब्दी की दिल्ली, अजमेर और कन्नौज शहर को रिक्रिएट किया जो उनके शासनकाल और जिंदगी से जुड़े हुए शहर है और दर्शकों को प्रामाणिक रूप से ये दिखाना जरूरी था कि उस समय से शहर वास्तव में कितने शानदार दिख रहे थे। निर्देशक उदय प्रकाश त्रिवेदी कहते हैं कि आदित्य चोपड़ा ने दिल्ली, अजमेर और कन्नौज को रिक्रिएट करने का मुश्किल काम अपने हाथ में लिया था और शहरों के निर्माण के लिए असली संगमरमर का इस्तेमाल किया गया और इस विशाल सेट को बनाने के लिए 900 वर्कर्स ने लगभग 8 महीने तक कड़ी मेहनत की जो हमारी आंखों के सामने काफी दृश्य अच्छा देखने को मिला था। और वो नया बनाया गया सेट जो रिक्रिएट किया गया था 900 वर्कर्स ने, ये काफी चमत्कार की तरह ही दिख रहा था और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के महल सहित शहर का हर एलिमेंट नए सिरे से क्रिएट किया गया था। आदित्य चोपड़ा ने परफेक्शन के लिए करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए हैं और यही वजह है कि फिल्म का ट्रेलर लोगों को पसंद आ रहा है। फिल्म में सेट की भव्यता दिखेगी और फिल्म पिंजर के निर्देशन कर चुके डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने इसका निर्देशन किया है। बेहद खूबसूरत मानुषी चिल्लर फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका संयोगिता के रोल में दिखने वाली है और बता दें अक्षय कुमार अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, वो हर साल अपनी करीब 3 से 4 फिल्में रिलीज करते हैं। बच्चन पांडे के बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन के बाद अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म पृथ्वीराज के साथ फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। कुछ समय पहले पृथ्वीराज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और दर्शकों को फिल्म का ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद भी आया है। इन सब के बीच मेकर्स फिल्म का टीजर, पोस्टर और गाने समय समय पर रिलीज कर रहे हैं। इसी बीच अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज के नए गाने मखमली का टीजर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इसका टीजर दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है और इसमें आप आदित्य चोपड़ा के बनाए 25 करोड़ रुपए के सेट का अच्छे से आनंद ले सकते हैं। टीजर की शुरुआत पृथ्वीराज और राजकुमारी संयोगिता की शादी से होती है जो पृथ्वीराज के दिल्ली महल में हुई थी क्योंकि वो उस समय दिल्ली के शासक थे। बाद में दोनों को एक दूसरे के प्यार में डूबा दिखाया गया है। टीजर के दौरान अक्षय कुमार राजकुमारी संयोगिता को तीर चलाना भी सिखा रहे हैं। इस तीर को चलाने के लिए मानुषी और अक्षय कुमार को तिरंदाजी सिखाई थी और टीजर का वो सीन जब संयोगिता घूंघट हटाकर पृथ्वी को देखती है और ये दिल्ली का वो बाजार टीजर में दिखाया गया है जो लाल किले के अंदर लगा करते हैं, जिसे आदित्य चोपड़ा ने मुंबई फिल्म सिटी में खुद ही रिक्रिएट किया है। तो फिर आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें ये कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक खुश रहें, बने रहिए।